आपका स्वागत है मेरे चैनल हैशटैग होम स्वीट होम में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ कुछ होम डेकोर आइटम्स। आज के जो आइटम होने वाले हैं ना, वो डाइनिंग टेबल एरिया डेकोरेशन आइटम होने वाले हैं, ठीक है। सो आज के मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी सब डाइनिंग टेबल एरिया से रिलेटेड होंगे। सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजन से खरीदे हैं, जो कि जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस अमेजन हॉल से रिलेटेड मिल जाएंगे, जो होम डेकोर से रिलेटेड हैं, बेडशीट हॉल है, ज्वेलरी हॉल है और भी अदर हॉल हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाकर इन वीडियोस को स्क्रॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और हो सकता है उन वीडियोज में कुछ आपके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो जिन्हें आप खोज रहे हो। प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होगी मैं अपने स्क्रीन पर शो कर दूंगी, और इसकी जो भी बाय लिंक होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर उन प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पीस है मेरा डेकोरेटिव पीस से मैं स्टार्ट करूँगी, फिर फर्स्ट पीस है मेरा ये, देखिए मुझे ऐसे रिसीव हुआ था अच्छे से फॉर्म के साथ, और ये है एक ऐसे आया था, ये एक वॉस है रेड कलर का, इसकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, सिरेमिक का है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो ये मैंने लिया है अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए। इसका जो कलर और कलर के ऊपर जो शाइनिंग है ना, बहुत अच्छी है। ये आपको वाइट कलर में भी अवेलेबल मिल जाएगा। सो मैंने वाइट कलर नहीं लिया, मैंने रेड कलर लिया है, मुझे ये अच्छा लग रहा था बहुत, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सेरेमिक का है, आप देख सकते हैं। तो आप इसको ना डाइनिंग टेबल पे बीच सेंटर पर रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, मतलब डाइनिंग टेबल एरिया के साइज के हिसाब से ये सफिशियंट है, इतना बड़ा आप रख सकते हैं, अच्छा लगता है। ये देखिए अंदर से भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, ठीक है। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना सेकेंड प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट भी मेरा है डाइनिंग टेबल डेकोरेशन से रिलेटेड ही, मैं जैसे मैंने आपको बताया वही है। सो मुझे ये ऐसे रिसीव हुआ है, ये है फ्लावर। इसके जो फ्लावर की क्वालिटी है ना, देख सकते हैं बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है ना जैसे सच में रियल का फ्लावर हो। आपको ऐसे 13 फ्लावर मिल जाएंगे, सारी अलग अलग डंडी के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी 13 फ्लावर जो है सेपरेट है। तो आप इनको खोल के कहीं अलग एक एक भी लगा सकते हैं, टू टू पीस भी कहीं लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। सो मैंने ये लिया है, इसकी क्वालिटी परफेक्ट है, एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे रियल में हो, ये देखिए। और फ्लावर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सो मैंने इस फ्लावर को लिया है अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए, इस वास के अंदर इसको रखने के लिए। सो आप देख सकते हैं देखने में कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लुक आ रहा है। आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, तो आप इनको अगर गंदे हो जाते तो आप इनको वॉश कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, काफी अच्छा है, ड्यूरेबल है। आप इसे डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं, किसी कॉर्नर में सजा सकते हैं, अच्छा लगेगा। एक बंच है, एक तरह से पूरे फ्लावर का पूरा बंच है ये। सो मैंने इसको लिया है अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए। सो आप देख सकते हैं ये मुझे ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हुआ है फोम के साथ, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। ओके, ये है नमक एंड पेपर शेकर सेट है, एक बहुत से अच्छे स्टैंड के साथ है ये। सो ये है कांच का, ये देखिए ये अच्छे से रैप होके आया है, ये दो सेट है, एक नमक के लिए एक पेपर के लिए, सेट अच्छा है, कांच का है ये पूरा। नेक्स्ट ये है जो कि स्टैंड है ये पूरा, इसमें आप रख सकते हैं, बहुत क्यूट है स्टैंड, नमक और पेपर स्टैंड है, इसको आप नमक पेपर जो सेट होता है उसको आप इसमें रखिए, ये बहुत क्यूट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा हैवी में है ये, तो यहाँ पे आप इन दोनों को रख सकते हैं आराम से। और इनके आगे जो बास्केट दे रखा है ना, इसके लिए दिया गया है टूथपिक, ये देखिए
तो इसमें आप आगे टूथपिक रख सकते हैं और इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पे सजा दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा सेट इसका बहुत अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो भी डेकोरेशन तो जो इसकी क्वालिटी है ना, एक एक चीज इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी है और देखने में बहुत क्यूट लग रहा है, ऑसम क्वालिटी का लग रहा है। ये टूथपिक दी गई है इसके साथ। सो ये है पूरा सेट ओवरऑल, आप इसे अपने डाइनिंग टेबल पे सजाइए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। थर्ड प्रोडक्ट है मेरा, मैंने लिया है एक टेबल, डाइनिंग टेबल कवर। पहले भी मैं अपने वीडियो में, पुराने वीडियो में शेयर किया था मैंने डाइनिंग टेबल कवर का, उसको भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, बट अभी जो मैंने नया लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है, ऐसे मुझे मिला था, ये 6 सीटर है, 6 सीटर मैंने लिया है अपने डाइनिंग टेबल के लिए। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा है, सच में कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। ये सी ग्रीन है, मेरे कैमरा उतना अच्छे से ले नहीं पा रहा, अगर ले रहा है तो अच्छी बात है, बट वाइट कलर से इसमें डिज़ाइन है, बॉर्डर बने हुए हैं। ये पीवीसी विनाइल करके जो मटेरियल होता है ना वो है, यानी जो प्लास्टिक होता है वो मटेरियल है। ये जितना कैमरा मेरे ख्याल से ले नहीं रहा होगा ना, उसी कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम रिच लुक आ रहा है, एलिगेंट सा है, बहुत अट्रैक्टिव पीस है। मैं इसे आपको अपने डाइनिंग टेबल पर डाल के दिखाऊंगी कि देखने में कैसा लग रहा है। कलर जो है ना पिस्ता ग्रीन है, पूरा मैं आपको नहीं दिखा सकती, दिखा पा रही शायद कैमरे में, और आप इसका बॉर्डर देख सकते हैं, इसका बॉर्डर भी बहुत अच्छा है, फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, और जैसे इसमें कुछ गिर जाता है तो आप इसको आराम से वाइप कर सकते हैं, और इस पर ज़्यादा हीट वाले सामान नहीं रख सकते, आपको इसके ऊपर प्लेस मैट रखना पड़ेगा, जो डाइनिंग टेबल का जो मैट होता है उसको रखना पड़ेगा। वैसे भी हम डाइनिंग टेबल पर कवर लगाते हैं तो मैट भी साथ में रखती ही हैं, सो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा है। सो चलिए देख लेते हैं डाइनिंग टेबल पर डालने पर ये कैसा लगता है। जितने सारे सामान मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये सारे सामान मैं आपको ना रख के दिखाऊंगी कि डाइनिंग टेबल पे कैसा लुक आता है, ठीक है। सो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना फोर्थ प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट है मेरा रनर है, टेबल रनर प्लस मैट है, ठीक है, मुझे ऐसे रिसीव हुआ है। इसकी क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी है और ये देखने में भी ना इसका जो लुक है, कलर कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत, मतलब बहुत बढ़िया है। तो मैं पहले आपको मैट दिखाती हूँ, ये ऐसे मिला था, ये मैट है, तो मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए ये हीट रेसिस्टेंट है, आप बोथ साइड से यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट्स आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा होल है इसमें, मतलब अगर वाटर गिरता है तो हो सकता है नीचे भी पानी चला जाए, ठीक है। और ये वाटरप्रूफ है, आप इसमें, ये भी पीवीसी जो क्वालिटी होती है ना उसी का बना हुआ ये भी है, ये देख सकते हैं आप, हीट रेसिस्टेंट है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये मुझे मिलता है 6 का पूरा सेट, इसी तरह मुझे मिलता है, इसी का मिलता है मुझे रनर, ये देखिए ये रनर है पूरा, क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, बट इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर पानी गिरता है तो टेबल क्लॉथ्स भी नीचे जा सकता है जो आपने नीचे बिछा रखा है इसके, बाकी ओवरऑल तो सब बढ़िया है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, पीवीसी की क्वालिटी है,
हीट रेसिस्टेंट है, आप दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं, इसको आराम से वॉश हो जाएगा। सो मैंने इसे फर्स्ट टाइम लिया है तो मैं देखती हूँ इसको यूज़ करके कि कैसा होगा। सो चलिए इसको भी देख लेते हैं डाल के कैसा लगेगा ये। ये तो थे पीवीसी जो क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी होती है उसके थे डाइनिंग टेबल कवर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कॉटन के जो मैंने परचेज़ किए हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये रनर, ये सनील कपड़े का है, यानी वेलवेटी टच है। इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, शाइनिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब इस कपड़े में ना शाइनिंग भी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और इसके साथ क्या है ना कि इसके जो बॉर्डर है, जो प्लेन है, इसका बॉर्डर प्लेन है और बीच में इसमें कलरफुल डॉट्स दे रखे हैं, देखने में ये भी बहुत सुंदर लगता है ओवरऑल। इसकी क्वालिटी अच्छी है, शाइनिंग है, कपड़ा इसका शनील है, वेलवेट जो होता है वो है। अब नेक्स्ट है मेरा डाइनिंग टेबल कवर कॉटन, इसे मैंने अपने पुराने वीडियो में दिखा रखा है, मैं फिर भी इसे आपको दिखा देती हूँ फिर से, क्योंकि ये पूरा वीडियो डाइनिंग टेबल डेकोरेशन था तो मैंने सोचा कि दोनों क्वालिटी की चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। सो ये है 6 सीटर डाइनिंग टेबल कवर है, वाइट कलर में है और ये कॉटन में है, कॉटन ब्लेंड है, मिक्स है कॉटन, पूरा नेट पे है, आप देख सकते हैं। और ये वाइट में है पूरा, फ्लावर जो है कलरफुल है, बाकी पूरा वाइट है, नेट है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसकी जो फिनिशिंग है ना सब कुछ बहुत अच्छा है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप जैसे किसी ओकेजन पे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वो आप डेली यूज़ के पर्पज़ से ले सकते हैं, ठीक है। सो ये है, और ये वाइट कलर है तो इसके लिए मैंने मंगाया था ट्रांसपेरेंट टेबल क्लॉथ, ट्रांसपेरेंट टेबल कवर। इसे मैंने पिछले वीडियो में शेयर नहीं किया था, मैंने आपसे कहा था कि जब मैं मुझे रिसीव हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये है, 6 सीटर है, साइड में इसके देखिए बॉर्डर दे रखा है, एकदम परफेक्ट फिट होता है मेरे टेबल से पे, मेरा जो डाइनिंग टेबल है उस पर परफेक्ट फिट हो रहा है, और ट्रांसपेरेंट है पूरा, ये देखिए बॉर्डर इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मुझे बॉर्डर चाहिए था, पूरा प्लेन नहीं चाहिए था, पूरा प्लेन भी मैंने लिया हुआ है, वो मैं डेली यूज़ के पर्पज़ यूज़ करती हूँ, इसको मैंने किसी ओकेजन पे जैसे कुछ है घर में कोई फंक्शन वंक्शन पड़ा तो उस पर्पज़ से मैंने इसको लिया है जो कि बॉर्डर के साथ है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, पन्नी जो है ना सॉफ्ट है, बहुत तड़तड़ वाली पन्नी नहीं है, पन्नी सॉफ्ट है, अच्छी है, पन्नी की जो क्वालिटी है ना अच्छी है, और इसका बॉर्डर भी काफ़ी अच्छा है, लुक एट, ये देखिए।
मेरे दिखाए हुए कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए, और लिंक पे जाके अगर आपको अच्छे लगते हैं बहुत तो आप परचेज़ कर सकते हैं। सो चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।